रेडी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आप अपने अपनी कंपनी के बारे में और अपनी आपकी जो डिजिनेशन है उसके बारे में आप हमें बताइए। जी, अबू सुफियान मेरा नाम है और पाकिस्तान लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मशहूर ज़माना मास्टर ऑयल इंजन्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए बनाती है, मैं उसका बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, पंजाब का एरिया देखता हूँ। जहाँ तक मेरी कंपनी का ताल्लुक है तो ये एक पाकिस्तान के साथ साथ तकरीबन निसफ सदी का एक सफ़र तय कर चुकी है और हमारे जो ब्रांड्स हैं इसमें हमने हमेशा एक पाकिस्तान में हर तरह की कंपनी के साथ मुकाबले में खड़े होके और पाकिस्तान की बेहतर अंदाज में कम प्राइस में और बेहतर क्वालिटी में खिदमत सर अंजाम दी है। हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है एज ए पाकिस्तानी कंपनी वो ये है कि बेहतरीन क्वालिटी बेहतरीन प्राइस पे हम पाकिस्तान के लोगों को प्रोवाइड करें। सही। और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है मेरे बैकग्राउंड पे मास्टर प्लस 350 और एक्स्ट्रा मोटर ऑयल, तो इनके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इन ब्रांड्स को हमने नए दौर के तकाजों से हम आहम किया है और हर तरह की जो हैवी ट्रक्स हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट है या रोड में यूज़ होने वाली हैवी मशीनरी है, या आप कराची पोर्ट ट्रस्ट की बात करें या फिर आप नेशनल लॉजिस्टिक सेल्स की बात करें, तो इस तरह की बड़ी हैवी मशीनरी के अंदर ये हमारा ब्रांड बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा है और ट्रांसपोर्टर को इकोनॉमिकल पड़ रहा है, उनको बड़ा रिलीफ मिल रहा है आज के इसके महंगाई के दौर में। तो पाकिस्तान के साथ जो है ना, यही हमारा एक एज ए कंपनी कंटिन्यूशन है कि हम पाकिस्तानी कंपनी हैं और हमने पिछले 50 साल से तकरीबन अपना जो है वो मेयार शो किया है और यही वजह है कि हम आज तक चल रहे हैं और यही पाकिस्तान के साथ हमारी कंट्रीब्यूशन है कि हम जो कमाते हैं पाकिस्तान में ही लगाते हैं। मुल्तान के फंक्शन के बारे में आप हमें बताइए। मुल्तान में हमने इसी तरह एक सिलसिला शुरू किया, कंपनी ने सेमिनार्स का इस्तेमाल करती है और हम थ्रू आउट जो एक मार्केट है हमारी, हम उसको एजुकेट करना चाह रहे हैं कि बेसिकली लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। कल एक प्रेजेंटेशन थी जिसमें हम लोगों को एपीए लेवल और एसए लेवल्स के बारे में बता रहे थे कि एक गाड़ी ओनर को किस तरह पहचान होनी चाहिए कि उसके लिए गाड़ी के लिए कौन सा ऑयल सूटेबल है। इसके साथ साथ हमने अपना एक सुरख कैन खूबसूरत पैकिंग लॉन्च की थी पावर पैक के नाम से, तो ये हमारा मकसद था कि हम इसको रोशनास करा सकें, इसकी तकलीफ रोनमाई का एक तमाम था। और बाकी जो है वो जो हमारी अपग्रेडेशंस हैं जिसमें हैवी मशीनरी में हम गए हैं, सीएनजी मार्केट में आए हैं और इसी तरह मोटरसाइकिल मार्केट के ब्रांड लेके आए हैं, तो इसका ये बताना था कि ये ब्रांड्स हैं जो आपको माजी के कंपनी के माजी की तरह सेटिस्फाई करेंगे और आपको इकोनॉमिकल प्राइस में पड़ेंगे। सही। जुनूबी पंजाब में आपको कैसा लगा यहाँ पर काम करते हुए, आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा यहाँ पर कस्टमर का? जनूबी पंजाब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बहुत शुरू के दिनों में 1966 के अंदर जब हमने हाई ग्रेड का आगाज़ किया था तो यहाँ हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट किए थे और उस वक्त से अब तक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये बेसिकली एग्री बेस्ड टेरिटरी है जनूबी पंजाब और इसमें हमें जो ज़्यादा हम लीडिंग रोल हमने प्ले किया है, बाकी तो हमने सब मार्केट्स में काम किया, इंडस्ट्रियल में भी किया, सब में किया, बड़े बड़े इदारे हमें रजिस्टर्ड सप्लायर के तौर पर तस्लीम करते हैं, लेकिन स्पेशली एग्री मार्केट के अंदर जो है ना हमें हमेशा से ये रिस्पॉन्ड मिला जनूबी के अंदर कि ये वो कंपनी है जिसने एक पाकिस्तानियत का सबूत दिया है, बेहतरीन क्वालिटी भी दी है और उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमिकल प्राइस भी उसके रखी है। और जनूबी पंजाब से हमें हमेशा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इंशाल्लाह इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि यह खिदमत हम करते हैं। आप अपने कस्टमर के बारे में कोई पैगाम अगर देना चाहें? मैं अपने कस्टमर से यही कहूँगा कि उसको ऑयल डालने से पहले सबसे पहले उसकी तरजीह होनी चाहिए कि वो क्वालिटी देखे कि क्या अच्छी क्वालिटी उसको मिल रही है, और दूसरा फिर उसके साथ ये है कि वो देखे कि उसको उसकी इकोनॉमिकल प्राइस भी अगर मिल रही है क्वालिटी के साथ साथ, तो फिर अगर कोई अगर पाकिस्तानी कंपनी ये सारे उसकी जो ज़रूरियात हैं पूरी कर रही हैं तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए तो ये ऐसी कंपनी है मास्टर ऑयल बनाने वाला इदारा पाकिस्तान लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कि जो अगर कमाता है तो वो पाकिस्तान में ही लगता है। सही। और इस चीज़ की हमें ज़रूरत है कि हम भागे फिरें कि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लाएँ, तो उससे बेहतर है कि अगर हमारे घर की कंपनी बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर रही है तो हमें उसके हाथ मजबूत करना चाहिए।
थैंक यू सर।